हेलो दोस्तों, ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेन इंस्टीट्यूट में मैं इंजीनियर और आप सब कॉर्पोरेट ट्रेनर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है WMM की लेयर का हम क्वांटिटी एस्टीमेट कैसे निकाले, और हम ये भी जानेंगे कि कॉम्पैक्शन के बाद हमें पता है जब वॉइड्स फिल हो जाती है तो हम जो क्वांटिटी एस्टीमेट निकाले रहते हैं वो कुछ कम पड़ जाता है, तो उसे कैसे अवॉइड करें वो भी आज सीखेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके कैरियर से रिलेटेड एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, कोई भी मटेरियल का एस्टीमेट निकालने से पहले हमें सबसे पहले जो पता रहना चाहिए वो रहता है हमें MDD, जो है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। उस मटेरियल का ड्राई डेंसिटी क्या होने वाला है, हमें वो ड्राई डेंसिटी कहां से मिलेगा, वो हमें मिलेगा प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट के जरिए। वहीं अगर मैं WMM की बात करूं, मतलब हमारे एग्रीगेट की बात करूं, जैसे कि यहां पे हमारे एग्रीगेट का MDD दिया हुआ है 2.28 GM CC। सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूबिक। अब इसके बाद में हमें जो जानना है 1 ग्राम CC कितना होता है, जो हमारा 1 ग्राम CC रहता है वो रहता है 1000 kg per cubic meter। तो ये तो हमें पता चल गया 1 GM CC का मतलब रहता है 1000 kg per cubic meter। तो हमारे पास कितना है, यहाँ पे 2.248 GM है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 2248 kg per cubic meter। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके बाद समझते हैं हमें लूज बल्ब डेंसिटी क्या होता है, लूज बल्ब डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे। तो लूज बल्ब डेंसिटी हमें मिलेगा एस पर ISO 2386 पार्ट 3 1963 में। अब इसमें ये क्या कहता है, तो इसमें ये कहता है कि ऐसे जो हमारे बकेट है, ये तीन प्रकार के अलग अलग बकेट है, एक है हमारा 3 लीटर्स का, उसके बाद हमारा 15 लीटर्स का, और है हमारा 30 लीटर्स का। तो हमें इसमें जब हम एग्रीगेट फिल करेंगे ऊपर तक और उसमें किसी भी तरह का टैंपिंग या किसी भी तरह का कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे, और उसका जब हम वेट निकालेंगे तो हमारा जो वेट आएगा वो रहने वाला है हमारा लूज बल्क डेंसिटी। अब आप सोचेंगे कि हमें कौन सा बकेट यूज करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा ISO 2386 पार्ट 3 1963 में। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो जैसा कि यहाँ पे आप टेबल 3.2 पे देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा टेबल नंबर 1 पे दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे अगर हमारा एग्रीगेट का साइज 4.7 mm या उसके अंदर है, मतलब 4.7 mm डाउन एग्रीगेट है, तो हम 3 लीटर का कैन यूज करने वाले। उसके बाद में अगर 4.7 mm से बड़ा या फिर 40 mm से छोटा एग्रीगेट है तो हम यहाँ पे 15 लीटर का बकेट यूज करने वाले, और वैसे ही हमारा अगर 40 mm से ऊपर है तो हम 30 लीटर का बकेट यहाँ पे यूज करने वाले। तो इससे आपको समझ आ गया कि हमने ये वैल्यू कहाँ से ली और कौन सा बकेट हमें कहाँ यूज करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो लूज बल्क डेंसिटी निकालने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, हमारा 40 mm से छोटा एग्रीगेट है जो हम WMM में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कौन सा यूज करना रहेगा, हमें यहाँ पे 15 लीटर का बकेट यूज करना पड़ेगा। इसमें जब हम एग्रीगेट फिल करेंगे, फिल करने के बाद हम उसे ऊपर तक फिल करना है, किसी भी तरह का टैंपिंग या कॉम्पैक्शन नहीं करना है, तो हमें वेट मिल जाएगा। वेट ऑफ एग्रीगेट सैंपल कितना मिला हमें, 28.5 kg मिला। अब इसके बाद हमारा वॉल्यूम कितना था सिलेंडर का, 15 लीटर था। इसके बाद हम इससे लूज बल्क डेंसिटी निकाल सकते हैं, जैसे कि वेट ऑफ सिलेंडर प्लस एग्रीगेट सैंपल जो हमारा केजी में निकला था 28.5 kg, उससे और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से हम डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा कितना था, 15 लीटर्स, तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाता है 28.5 kg डिवाइड बाय 15 लीटर्स, मतलब कि हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.9 kg per liter। बट यहाँ पे भी कुछ हमें अलग लग रहा है, हमें तो जो आंसर चाहिए वो हमें केजी टन या क्यूबिक मीटर में चाहिए, तो इस लीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आगे हम इसे कन्वर्ट करते। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमारा लूज बल्क डेंसिटी हमने निकाल लिया 1.9 kg per liter। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम या क्यूबिक मीटर में, तो यहाँ पे आप देख सकते 1 kg per liter में हमारा लगभग 1000 kg क्यूबिक मीटर रहता है, तो हमें हमारे पास कितना है 1.9 kg है, तो हम इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1900 kg क्यूबिक मीटर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में मैं आपको एक ऐसा ऑफर बताने वाला हूं जो कि आपके कैरियर को और आपकी स्किल को इन्हेंस करने में काफी ज्यादा आपके लिए मददगार है। सिविल गुरुजी आपके लिए लेके आया है दिवाली सुपर सेविंग डेज, जो कि चलने वाला है आपका 24 से 31 अक्टूबर। ये हमारा दिवाली ऑफर है आपके लिए। आप कहते रहते थे कि ऑफर लेकर आइए, तो लीजिए, सिविल गुरुजी आपके लिए ऑफर लेके आ गया है। तो इस ऑफर में आपको क्या मिलने वाला है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपको मिलने वाला है कॉफ्स फॉर हाईवे,
में आपको हैवी डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसे कि हमारा कॉस्ट और हाईवे का जो ईयर राउंड प्राइस रहता था वो रहता था 17,847, वो आपको वो इस दिवाली सुपर सेविंग ऑफर में मिलने वाला है मात्र 14,847 रुपए में। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें आपको कंप्लीट ऑपरेटिंग प्रोसेस मिलेगा हाईवे इंजीनियरिंग का, जिसमें आप सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जो हमारे पेवमेंट में रहते हैं, उसके बाद आप सीखेंगे सर्वेइंग के बाद आप क्वांटिटी एस्टिमेशन सीखेंगे, मॉड्स के स्पेसिफिकेशन सीखेंगे, एमएक्स रोड सीखेंगे, और साथ साथ इसमें आप कॉस्टिंग साथ ही साथ में बिलिंग भी सीखने वाले। मतलब कि ये पूरा कॉस्ट फॉर हाईवे आपको जीरो टू हीरो तक की पूरी कामयाबी में पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। तो देर ना करिए, कॉल करिए नीचे दिए हुए नंबर पर 9111001234 पर और हमारे एक्सपर्ट कैरियर काउंसलर्स के साथ अपना स्लॉट बुक करिए। बस इतना ही नहीं, जो हमारा 17,847 में आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलती थी, इस दिवाली ऑफर में आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलने वाला है। मतलब आप 24 घंटे 7 दिन लाइफ टाइम कितनी भी बार आप इस वीडियोस को रिपीट करके देख सकते हैं। जब भी आपको कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। वहीं अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं और आपको कोई डाउट आता है या कहीं पे आप फंसते हैं, तो आप हमारे डिस्कशन सेक्शन में उस डाउट को आप पुट कर सकते हैं। वहां पे हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स आपके लिए वो सॉल्व करके और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए रेडी रहेंगे। साथ ही साथ आपके लिए हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन रहेगा, जिसमें कि आपका किसी भी तरह का डाउट लाइव 1-on-1 क्लियर किया जाएगा। तो बिल्कुल भी देरी ना करिए और आज ही कॉल करिए 9111001234 पर। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ फर्स्ट 470 कॉलर, जो हमारे दिन में फर्स्ट 470 कॉलर्स कॉल करेंगे, उनके लिए ही ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ये हमारे डायरेक्टली वेबसाइट से परचेस करना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा गुरुजी। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कॉस्ट फॉर हाईवे चाहते हैं, साथ ही साथ में आप चाहते हैं कि आप अपने कैरियर में बिल्डिंग के बारे में भी सारा प्रोसेस जाने, तो आप कंप्लीट ऑपरेटिंग प्रोसेस फॉर बिल्डिंग, कंप्लीट ऑपरेटिंग प्रोसेस फॉर हाईवे और इसके साथ में कॉस्ट फॉर बीम जो कि सिविल इंजीनियरिंग में सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ बीम जो सबसे डिमांडिंग जॉब आज के टाइम में सिविल इंजीनियरिंग में आपको देखने को मिलेगा, ये तीनों का कॉम्बो ऑफर भी आपको मिल सकता है एक साथ हमारे एसडीओ के कोर्स में, जो कि आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आने वाला है। साथ ही साथ इसमें भी आपको दिवाली डिस्काउंट मिलने वाला है। क्या डिस्काउंट मिलने वाला है? हमारी कोर्स की फीस जो ईयर राउंड रहती थी 27,847 रुपए, वो इस ऑफर में आपको मिलने वाला है मात्र 24,847 रुपए। बट इसमें एक कैच है कि भाई ये सिर्फ दिन के पहले 47 कॉलर्स के लिए ही है। अगर आप 48th कॉलर भी रहेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप ऑलराउंड स्किलफुल सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप बिल्डिंग के बारे में भी कंप्लीट ऑपरेटिंग प्रोसेस सीखना चाहते हैं, हाईवे के बारे में भी और बीम के बारे में भी, तो एसडीओ आपके लिए है। तो आज ही कॉल करिए 9111001234 पर। तो चलिए अब हमारे कोर्स पे हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने लूज बल्क डेंसिटी भी निकाल ली, इसके बाद हमें WMM की क्वांटिटी निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसकी एग्जांपल लेकर चलूं तो ये एक हमारा रोड का सेक्शन है, ये इसका अगर हम लेंथ ले ले 2000 मीटर और इसका अगर हम विड्थ ले ले, तो मैं यहाँ पे 16 मीटर इसकी विड्थ लेकर चल रहा हूँ। वहीं अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे WMM की लेयर का, तो हमें क्या करना है, बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब कि इसकी लेंथ हो गई हमारी 2 किलोमीटर की, इसकी जो हमारी विड्थ हो गई 16 मीटर की। साथ ही साथ अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमारे WMM के लेयर की थिकनेस कितनी रखी थी, 125 mm रखी थी। तो यहाँ पे हम तीनों को यहाँ पे पुट कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ, तो हमारा आंसर कुछ निकल के आ जाएगा 4000 क्यूबिक मीटर। अब इसके बाद हमारा वॉल्यूम ऑफ हाईवे तो निकल के आ गया कि 4000 मीटर। अब इसके बाद में हमारे पास जो पहले से था MDD पहले था, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हमारे पास पहले था कितना था, 2248 kg/m था। अब इतना सब हमारे पास है, अब हमें कॉम्पैक्शन फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब कॉम्पैक्शन फैक्टर क्या होता है, तो मैं आपको एक ब्रीफ डेफिनेशन दे देता हूं कि जैसे कि हमारा लूज सॉइल या लूज एग्रीगेट रहता है, जब हम उसे साइड पर ऐसे ही ले कर देते तो उसके बीच में काफी सारे गैप्स रहते हैं, जिसे हम वॉइड्स भी कहते हैं, जिसे हम जब कॉम्पैक्ट करते हैं तो वो गैप्स फिल हो जाते हैं, वॉइड्स फिल हो जाते हैं और उनके बीच की स्पेसेस श्रिंक हो जाती है, जिससे क्या होता है कहीं ना कहीं हमारे एग्रीगेट की कमी पड़ जाती है हमें, क्योंकि हमने वो कैलकुलेट नहीं किया था, वो श्रिंकेज वो वॉइड्स का कम होना हमने कैलकुलेट नहीं किया था। इसलिए हमें कॉम्पैक्शन फैक्टर कैलकुलेट करना रहता है कि भाई हम जो मटेरियल यहाँ पे एग्रीगेट यूज करने वाला कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट होने वाला है।
वो अगर हमें पहले पता रहेगा तो हम अपने मटेरियल का ऑर्डर उसको मैनेज करते हुए ज़्यादा ऑर्डर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें 1000 क्यूबिक मीटर की ज़रूरत है या फिर हमें 125 mm की थिकनेस की यहाँ पे लेयर प्रोवाइड करनी, बट अगर मैं 125 mm के हिसाब से क्वांटिटी मंगाऊंगा और कॉम्पैक्ट करने के बाद वो सिर्फ 100 या 110 mm रह जाएगा तो मुझे वहाँ पे लॉस है। तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, मुझे पता है कि उसका कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना है तो मैं उसे पहले ही एड ऑन करके उतना मटेरियल पहले मंगा दूंगा ताकि मुझे जो फाइनल थिकनेस मिले वो 125 mm की फाइनल थिकनेस मिले। तो यहां पे हम निकालने वाले वही कॉम्पैक्शन फैक्टर। तो यहां पे हमारे पास MDD था, हमारे पास लूज बल डेंसिटी थी, तो दोनों की वैल्यू बस हम यहां पे पुट कर देंगे 2248 और 1900 kg पर क्यूबिक मीटर हमारे लिए निकल के आएगा 1.183। मतलब कि यही है हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर। अब इस कॉम्पैक्शन फैक्टर को हमें यूज कैसे करना है, यहां पे हमारा वॉल्यूम निकला था 4000 क्यूबिक मीटर इस रोड का, अब इसमें हम इस कॉम्पैक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि हमें एक्चुअल में कितना मटेरियल साइट पे मंगाना है इस 125 mm की थिकनेस को मेंटेन करने के लिए। तो आइए जान लेते कितना होगा। तो यहाँ पे हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ WMM है, यहाँ पे हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर निकल के आता है 4732 क्यूबिक मीटर। अब हमें अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर को फैक्टर इन नहीं किए रहते तो हम कितना मंगाते 4000 क्यूबिक मीटर, जिससे क्या होता जब वो कॉम्पैक्ट होता तो हमें इतनी की कमी पड़ जाती। अब हमें ऑलरेडी पता है कि कितना कॉम्पैक्ट होने वाले कॉम्पैक्शन फैक्टर की वजह से, अब हम 4732 क्यूबिक मीटर का मटेरियल मंगाएंगे जिसे कॉम्पैक्ट करने के बाद हमारा जो डिजायर्ड थिकनेस है 125 mm का वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जाते जाते मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मेरे साथ बोलिए करना है कुछ खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। अंटिल दैट थैंक यू सो मच।